हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑस्ट्रेलिया वीज़ा व्लॉग। अगर आपको इस चैनल पे दिखाई हुई वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके आप हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज बात करेंगे हम पीआर वीज़ा के बारे में। आज पहले 190 ग्रांटेड हुआ है 6 जनवरी को ऑन शोर सिंगल अप्लीकेंट लॉज 3 नवंबर 2022। पॉइंट्स 95+5, ऑक्यूपेशन ICT बिजनेस एनालिटिकल था, वर्क एक्सपीरियंस 5 पॉइंट्स थे। उसके बाद आप पूरे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं अच्छे से क्या डिटेल है। तो नेक्स्ट वीज़ा की बात करते हैं, ये 491 आया है वाइस ग्रांट। ऑन शोर है, रजिस्टर नर्स थी ये, प्रियोरेटिव। टोटल पॉइंट्स इनके 70 पे इनका ग्रांट हुआ है। बाकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। टाइमलाइन इनकी दी हुई है, UI सबमिटेड 13/8/2022 को थी, प्री इन्विटेशन था इनका। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, ये रिसीव्ड विक्टोरिया में 190 नॉमिनेशन इनविटेशन ऑन 5/1/2023 को हुआ है, ऑफशोर से हुआ है ये। ऑक्यूपेशन इनका टेली कम्युनिकेशंस इंजीनियर। पॉइंट्स ब्रेक डाउन, एजुकेशन 15 था, एज के 30 थे इनका। टोटल उन्होंने 55 पे इन्होंने इनविटेशन मिला है, तो आप देख सकते हैं पॉज करके। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, रिसीव्ड विक्टोरिया 190 इनविटेशन टुडे। ऑक्यूपेशन टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर थे, EOI लॉज 1/8/2022 थी इनकी। बाकी 85 पॉइंट्स पे इनको ऑनशोर से ही मिल गया है इनविटेशन PR के लिए, तो आप देख सकते हैं इनका। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, SC 189 ग्रांटेड हुआ है ये। ऑक्यूपेशन जनरल मैकेनिक थे ये। पॉइंट्स इनके 65 मिनिमम थे और इनको इतने पे ही इनको मतलब इनविटेशन मिल गया है, तो आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके अच्छे से पूरी डिटेल। तो इतने PR ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा निकाल रहा है ऑस्ट्रेलिया इस टाइम। तो नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, ये इनविटेशन माई 3 ईयर्स ऑफ वेट, फाइनली 3 साल के बाद इनविटेशन इनका मिला है। नवंबर 2019 में इन्होंने डाल रखा था, तो इनका 5 जनवरी 2023 को ग्रांट हुआ है। तो बाकी डिटेल आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइमलाइन की बात करते हैं, इन्होंने 199 ग्रांट हुआ है ऑन शोर। इनका ऑक्यूपेशन था इनका, रजिस्टर्ड नर्स थी मेंटल हेल्थ में। टोटल पॉइंट्स इनके 80 थे, कितने कम पॉइंट पे इनको PR आई है। टाइमलाइन की देख सकते हैं आप, 5/3/2022 को इन्होंने सबमिट की थी EOI और 5/1/2023 को इनको इन ग्रांट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन आप देख सकते हैं, 190 CNC SC 80+5 पॉइंट से इनको मिली है। एज इनकी 30 थी, बाकी इन्होंने डिटेल में बता रखा है पॉइंट सारे कैसे कैसे इन्होंने कलेक्ट किए हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, इनकी 189 वीज़ा ग्रांट हुआ है, 189 70 पॉइंट्स के साथ। और अक्टूबर 6/2022 में इन्होंने अप्लाई किया था, तो बाकी डिटेल आप देख सकते हैं। कोई एजेंट नहीं, इन्होंने खुद ही किया था। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, ये देख सकते हैं आप, ये 190 क्वींसलैंड वीज़ा ग्रांट हुआ है इनका। कोड इन्होंने भी दे रखा है, कंप्यूटर नेटवर्क एंड सिस्टम इंजीनियर थे ये, तो इनके भी पॉइंट काफ़ी थे, तो इन्होंने भी अच्छे से इनको मिल गया है। 5 जनवरी को इनको आया है इनविटेशन। उसके बाद नेक्स्ट टाइमलाइन है, PIC राउंड हैपनिंग जब हुआ था विक्टोरिया में, अकाउंटेंट का था इनका। पॉइंट्स 85 के साथ ही इनको ग्रांट हो गया है। लिविंग एंड वर्किंग इन VIC सिंस लास्ट मंथ, गेट इन्वाइटेड टू अप्लाई फॉर 190 वीज़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट करके बताएं आपको कौन